आर्मीनिया ने इंडिया से हेल्प मांगी है और कहा है कि हमें वेपन्स प्रोवाइड करें, और इंडिया की जानिब से 2000 करोड़ वेपन्स एक्सपोर्ट किए गए हैं आर्मीनिया को, मतलब एक बहुत बड़ी अमाउंट है, एक 2000 करोड़। हमने हमेशा उसके आगे भिखारियों की तरह हाथ फैलाया, अपनी जरूरतों के लिए उसके आगे झुके हैं। पिना का एक मल्टा बैरल रॉकेट है, मेड इन इंडिया का बना हुआ ये रॉकेट है, ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं आर्मेनिया को। लास्ट वॉर हुई थी आर्मेनिया और अजरबैजान की, तो उसके दरमियान पाकिस्तान और टर्की ने अजरबैजान को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से आर्मेनिया जो है अब क्यों ना कि वो एंटी पाकिस्तान जो कंट्रीज़ हैं वो उनकी तरफ उसने अपना रुख किया है, और जिसकी वजह से वो जो है इंडिया क्यों ना कि उनको सूट करता है। आर्मेनिया हैज़ अ स्पेशल स्टैंड, अगर जरूरत पड़ेगी Russia has to directly send its troops to help Armenia. शहबाज शरीफ, इमरान खान ने उनके लीडरशिप के भी एग्जाम्पल्स हमारे सामने रखी हैं, उनके उन्हें मतलब तारीफ की है उन लोगों की। इंडिया इसमें पार्टी है और अमेरिका के क्वाड, तो ये बड़े स्टडी केसेस हैं। अब क्या करें, हमारी एजुकेशन स्टैंडर्ड गिर गई है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हमारा वेपन एक्सपोर्ट चाइना से ज्यादा है। We are exporting more weapons than China today. तो आपके जो दुश्मन मुल्क होते हैं उनकी तरफ उनका झुकाव हो जाता है ऑटोमेटिक, कुछ ये करने के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए भी। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान को एक बार फिर से भारत ने जलाकर राख कर दिया है। वो किस लिए, मैं आपको बता दूं कि आर्मेनिया के साथ भारत की डील हुई है, ये डील 2000 करोड़ की डील है, जिसमें भारत आर्मेनिया को गोला बारूद, टैंक, मिसाइल्स देने वाला है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड में पहली बार पिनाका, अपना पिनाका जो मिसाइल है, भारत आर्मेनिया को पहली बार इसे देने वाला है। तो मैं ये जैसे ही पता चलता है पाकिस्तान को, अब आर्मेनिया को इस चीज़ की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो तनातनी चल रही है उसको लेकर के अब अजर जो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान और आर्मेनिया आपस में बिल्कुल एंटी हैं। और अब कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि भारत कुछ भी करेगा उसकी हमेशा उसे काट करनी है, हमेशा पाकिस्तान भारत से जलता रहता है और उसका उस पर भारत का उखड़ता कुछ नहीं है। भारत हमेशा अपनी ऊंचाइयों को छूता जा रहा है और पाकिस्तान आज भी वहीं का वहीं है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि पाकिस्तानी जो युवा हैं उन्हें मदरसे छाप पढ़ाई गई है, इसी वजह से आज पाकिस्तान पीछे है। अब इस डील पर जो आर्मेनिया के साथ हुई है, पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, तो आइए दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका वेपन्स के लिए जाना जाता है, रशिया जाना जाता है, चाइना जाना जाता है, उसके बाद इंडिया भी अब पीछे नहीं है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के पास भी वो वेपन्स हैं विद द हेल्प ऑफ चाइना भी, और ख़ुद की मैन्युफैक्चरिंग भी कुछ हद तक है, लेकिन एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट में पाकिस्तान को पीछे छोड़ के इंडिया को हमेशा हर चीज़ में प्रेफरेंस दी जाती है। अगर हम बात करें इस टाइम अजरबैजान और आर्मेनिया का, तो इनमें आपस में जंग हो रही है। आर्मेनिया ने इंडिया से हेल्प मांगी है और कहा है कि हमें वेपन्स प्रोवाइड करें, और इंडिया की जानिब से 2000 करोड़ वेपन्स एक्सपोर्ट किए गए हैं आर्मेनिया को, मतलब एक बहुत बड़ी अमाउंट है, एक 2000 करोड़। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान एक्सपोर्ट में बहुत पीछे है और इंडिया थर्ड बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या वजह है? पाकिस्तानी आवाम को इसमें क्या रीज़न्स लगती हैं, जो कि 75 सालों में इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और पाकिस्तान में वो प्लस पॉइंट नहीं आ सके? आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान एक जंग हो गई है, उस जंग में मतलब आपस में इन दोनों को वेपन्स की ज़रूरत है। अब अजरबैजान को तो सपोर्ट करने वाली मुल्क मिल गया, लेकिन आर्मेनिया को कोई सपोर्ट करने वाला मुल्क नहीं मिला जो कि एक्सपोर्ट कर सके वेपन्स। बट इंडिया, उन्होंने इंडिया की तरफ रुख किया और इंडिया ने उनको 2000 करोड़ के एक्सपोर्ट किए हैं रॉकेट्स और मिसाइल्स। अब आर्मेनिया ने इंडिया की तरफ मूव किया, आप देखते हैं कि पाकिस्तान के भी मिसाइल्स हैं, पाकिस्तान के भी मैन्युफैक्चरिंग है और काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग भी है, और कुछ हद तक ना भी कह सकते, दोनों तरफ है, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने अप्रोच नहीं किया, इंडिया को क्यों किया? इसलिए एक रीज़न ये कि लास्ट वॉर हुई थी आर्मेनिया और अजरबैजान की, तो उसके दरमियान पाकिस्तान और टर्की ने अजरबैजान को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से आर्मेनिया जो है अब क्यों ना कि वो एंटी पाकिस्तान जो कंट्रीज़ हैं वो उनकी तरफ उसने अपना रुख किया है, और जिसकी वजह से वो जो है इंडिया क्यों ना कि उनको सूट करता है, क्यों ना कि पाकिस्तान ने लास्ट अजरबैजान को सपोर्ट किया था जो लास्ट वार हुई थी आफ्टर मेरे ख्याल बिफोर 1-2 ईयर्स बिफोर, तो इस वजह से अब वो उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया था कि इंडिया उनको मिसाइल वगैरह दे रहा है। अगर हम
बात करें इस टाइम इंडिया की, तो आपको तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं इंडिया यूके को बीट करके। अगर हम देखें हर चीज़ में वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिससे उनकी जो है एक्सपोर्ट भी बढ़ी है और इम्पोर्ट कम हो रही है। अगर हम बात करें मुस्लिम कंट्रीज की, यूएई, टर्की, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सब का भी रुझू इंडिया की तरफ है, क्यों? वाई? उसकी रीज़न वही है कि इंडिया, आपने कहा है कि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, उसकी यानी आप कह लें कि 1.5 बिलियन उसकी पॉपुलेशन है, और जिसकी वजह से कि वहाँ बहुत से लोगों का रुख हो गया है कि बिजनेस इंडस्ट्री है, जैसे सऊदीया, यूएई, वो ऑयल के चक्रों में इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि 1.5 बिलियन पॉपुलेशन के लिए ऑयल चाहिए उनको। तो अब इस मसलन रीज़न ये कि दुनिया जितनी फास्ट हो गई है, हर कंट्री अपना बेनिफिट सोच रहा है कि हमारा बेनिफिट कहाँ पे। अब ये कोई भी नहीं देख रहा कि पहले आप बिफोर 20 इयर्स बिफोर चले जाएँ तो इंडिया को यूएई और जो है सऊदीया वो लिफ्ट नहीं कराते थे, वो लोग पाकिस्तान को फेवर देते थे, लेकिन अब नहीं, अब चीज़ें चेंज हो गई हैं और हर बंदा जो है अपनी इकॉनमी को और अपनी बेसिकली कह कि इकॉनमी की वॉर स्टार्ट हो गई है। अभी हम कहते हैं कि चाइना जो है हमारा दोस्त है और काफ़ी सालों से हमारे बीच रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा बिल्ड हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें काफ़ी पॉइंट्स देखें, काफ़ी इवेंट्स देखें, तो चाइना ने इंडिया को प्रेफर किया एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। एक ब्रिक्स का इवेंट हुआ जिसमें चाइना ने पाकिस्तान का नाम नहीं दिलवाया, इंडिया का आ गया। अगर हम देखें तो इंडिया, चाइना ने एक ऐसी अपनी क्रिकेट टीम बिल्ड की है, बनाई है, और ये कहा है इंडिया से आप इसे गाइडलाइन दें, आप इसे ट्रेन करें। मतलब कह पाकिस्तान को भी सकते थे या किसी और मुल्क को भी, बट वो इंडिया को प्रेफर। यहाँ तक चाइना ने कहा है कि इंडिया आप ईरान और अमेरिका के एक्सपोर्ट को कम करें, हमारे साथ एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। क्यों सर, चाइना हमारे साथ ज़्यादा है, फिर इंडिया क्यों? उसकी वजह यह है कि चाइना ने आपसे कोई 5-7 साल एट ईयर बिफोर उसने सी पैक आपके साथ साइन किया था। असल में हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि जो लास्ट गवर्नमेंट गई है उसने सी पैक पे उस तरह काम नहीं किया जिन लोगों ने सी पैक साइन किया था चाइना के साथ। अपनी चीज़ें बनाना मेरे ख्याल में वो बेस्ट चीज है जो भी कंट्री बनाता है, अमेरिका बनाता है, कभी उनकी इकोनॉमी जो है उसको कुछ नहीं होता, लाजमी सी बात है, वो दुनिया को भी देता है और अपने पास भी रखता है, हालांकि इतनी जंगें लड़ता है फिर भी स्टेबल है। देखिए भागर भाई, हुआ क्या है कि अगर आप ये देखें, जैसे मैंने आपको तेजस की बात की थी, जी बिल्कुल, आज तेजस की दुनिया में करीब 10-12 कंट्रियों से डिमांड हमारे पास है, और अभी हमने ये भी बताया कल परसों की बात है, विल इंक्रीज द प्रोडक्शन। अभी एक ही दिक्कत थी, हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कम थी, करीब 32 जहाज हम साल में बनाते हैं, अब उसको डबल ट्रिपल कर रहे हैं, क्योंकि 100 के तो अपने एयरफोर्स, 100-150 का तो अपना एयरफोर्स का ऑर्डर पड़ा, बाकी कंट्रियों से और ऑर्डर आ रहे हैं। अब यहाँ देखिए, समझने की बात यह है कि जब हम ये चीज़ें करते हैं तो अब इसमें है कि इनिशिएटिव है आपका, फोकस है नहीं है। जब पहले इनिशिएटिव ही नहीं था, फोकस ही नहीं था, जब सारा माल इम्पोर्ट ही करना था, आप जानते हैं कमीशन वमीशन सब सब चीज़ें चलती थी, जी बिल्कुल, बोफोर्स आपने सुना ही था, बोफोर्स वोफोर्स जैसे बहुत चीज़ें हुई यहाँ पे, जी बिल्कुल। बट अब जब फोकस आ गया, नहीं इम्पोर्ट नहीं करना, यही बनना है, तो अब तेजस भी बन गया, तेजस का मैक 2 भी आ रहा है, तेजस पे अमैक एक और जो थर्ड वर्जन है वो भी आ रहा है, अब हम होवेटजर गन भी बना रहे हैं, राइट, हम मिसाइल शील्ड भी अपना बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर भी अपना बना रहे हैं, राइट। तो ये है कि आपको फोकस कम, अमेरिकन इंडस्ट्री आगे क्यों थी, अमेरिका का शुरू से इस पर फोकस था, हाँ भाई अमेरिका का शुरू से उस पर फोकस था। अगर हमने तब जब लॉकहीड मार्टिन शुरू हुई थी, अगर हमने उसी का एक वर्जन यहाँ शुरू किया होता तो लॉकहीड के बहुत ज्यादा आसपास, दूर नहीं होता, आसपास ही होता, अगर लॉकहीड यहाँ तो वो यहाँ होता, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होती, जी जी बिल्कुल। अब क्या होता, जब इनको इम्पोर्टेड ऑर्डर मिलते हैं, देखिए फौज में और जंग सामान की कोई कीमत नहीं होती, जैसा मुल्क वैसी कीमत, उसकी कोई रेट लिस्ट नहीं होती, बिल्कुल सही।